ना एक आपकी जो सुखद परिवर्तन है वो एक चुनाव आयोग का वो ऐतिहासिक एक तरह से परिवर्तन हुआ। इस साल से वो नियम लागू होगा। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि और तो बातें बनी जी, हमेशा इसी तरह की बातें दोहराई जाती हैं और उसको किसी उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसको तो तार तार करते रहते हैं। लेकिन एक जो फैसला है उसको तो ये नकार ही नहीं सकते और वो बहुत आम आदमी के लिए, इस देश के आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका दागी उम्मीदवार होगा उसके बारे में आपको 3 बार अखबारों में और न्यूज चैनलों पर आपको सूचना देनी पड़ेगी। और साथ में एक कंडीशन और है मनीष जी, कि आपको ये बताना पड़ेगा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा है, कि उस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनको ये जो दागी अपराधी जिसके नाम से इतने मुकदमे दर्ज हैं, यही सबसे सटीक क्यों लगा चुनाव लड़ने के लिए, ये उनको अपना अखबार में बताना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से परिवर्तन है चुनावी आचार संहिता में। तो आज वो तो करीब 1.5 घंटा उनका प्रवचन चला चुनाव आयुक्त का, तो बाकी बातें रूटीन की थी, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आपको परिणाम चुनाव में दिखेगा। इनको उतारने में बड़ी परेशानी होगी अब इस तरह के गुंडे बदमाशों अपराधियों को, किसी भी पार्टी को। चलिए, कजरी गिरफ्तार तो नहीं हुआ है, लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं तो उसे भी तो लिखना पड़ेगा कि फलाना मामले में जमानत पाया हुआ हूं मैं। अब हाँ वो जो आदमी नैतिकता की इतनी बड़ी बड़ी बात करके आया था कि मेरी पार्टी में किसी ऐसे भ्रष्ट लोगों को, किसी ऐसे नामजद आदमी को जिसके ऊपर मुकदमा हो, अब तो मुकदमा छोड़िए, ये तो जमानत पर रिहा है नहीं, अभी। उसमें मनीष जी उसमें पता नहीं एक टेक्निकल चीज और है, किसी वकील को कोई वकील हो तो वो उसको साफ करे कि जब अपने आपराधिक कारनामों का ये एक विवरण देगा तो क्या उन मुकदमों का वो विवरण देगा जिसमें उसने उसको पर क्रिमिनल केस चला और उसने माफी मांगी, तो जब उसने माफी मांगी तो वो सजा याफ्ता है, सजा इसको आपका उसको है। उसको सजा मिली कि उसने माफी मांगी, तो उसको वो नहीं, विवरण सुप्रीम कोर्ट देना। में तो अभी एक और मामला है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता से कहा गया कि इसको तुम माफ कर दोगे क्या, मतलब सुप्रीम हाँ कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया। और ये नहीं नाग नहीं गडकरी जिसमें अरुण जिसमें जेटली के तलवे जिसमें पर जाकर के नाक रगड़ के पहले ही आ चुका हुआ है। नहीं मनीष जी, जिसमें माफी मांगी है तुमने, तो इसका मतलब तुम दोषी थे, तुम अपराधी थे, ये तुमको सजा कब मिलेगी, तुम माफी मांग लो तो तुम अपराधी दोषी तो उसमें साबित हो ही गए थे, तो वो भी विवरण देना होगा कि नहीं, ये कोई वकील बताएगा या चुनाव आयोग इसको स्पष्टीकरण देगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये सब भी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने जो ये दिया है, इसमें कई लोग ऐसे जिनको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा कि किन-किन मामलों में अदालत का चक्कर लगा रहा हूं, किन-किन मामले में चार सीटेट हूं। तो अब ये ना सिर्फ यहां बल्कि टेलीविजन चैनल पे भी खबर के रूप में चलवाना पड़ेगा, और अखबार में, इसके और अखबार में अखबार में अपने पैसे से छपवाना पड़ेगा। और 3 बार 3 बार, ये बहुत बताने का, ये बहुत 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 बहुत, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है। तो थूक और के ये चटाने का वाला हो गया कि लो थूक दो बस और चाट लो। तो ये राजनीति में जो ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके लिए कहते हैं जनता को भी समझने के लिए कि जब आप वोट डालने बैठे तो समझें आप किस भ्रष्ट बेईमान और चोर के नाम पे मुहर लगा रहे हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है।